अस्सलाम वालेकुम, मैं नाजिमा शेख, ये मेरी लड़की है जोया शेख। मैं 2 महीने से बहुत परेशानी थी, मेरी लड़की की आंख बंद हो गई थी एक, जैसे कि आप देख रहे हैं एक इसमें ये वाला, ये 2 महीने पहले का है फोटो जो देख रहे हैं आप। मैंने 5 दवाखाने बदल नाखे, बड़े से बड़ा रिपोर्ट किया, 50,000 के ब्लड टेस्ट हुए, MRI हुई, CT स्कैन हुआ, कोई में भी रिजल्ट आया नहीं कि ये आँख क्यों बंद है। मैंने दवाखाने आँख के हॉस्पिटल में भी गई, बताया कि मेरे को कुछ बच्ची के लिए आँख के लिए टीपे दो, मालिश वगैरह करने के लिए, ताकि मेरी बच्ची की आँख ठीक हो गई। 2 महीने मैं परेशान हुई, 5 दवाखाने मैंने बदलना थे, 50 मैंने रिपोर्ट करवाना थे, तक के मेरी हैसियत भी नहीं थी, उससे भी मैं बच्ची के लिए करके गई आगे। और मैंने पर मेरे को कोई डॉक्टर लोगों को कोई इम्प्रूवमेंट उसमें मिला नहीं है, अभी तक भी मिला नहीं है कि किस बीमारी है और हम क्या दवा देवे इसको, वो मेरे को यही बताते थे। मेरे को पता चला, फतेहवाड़ी में रहती हूँ सर के यहाँ पे, अबू बेटे हैं यहाँ पे, मैं आई, मेरे को पता चला कि आप वहाँ जाओ, आपका काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे आई, मैंने अबू को बात करी, अबू ऐसी ऐसी बात है, 2 महीने हो गए मेरी लड़की की पलक पड़ गई है, जैसे कि आपने, फिर से मैं दिखाती हूँ, जैसे कि आपने ये देखा था एक राइट आँख जो हो गई है। अबू ने मेरे को दिखाया, अबू ने मेरे को कसरत दी, किसी डॉक्टर ने नहीं दी थी मेरे को, डॉक्टर से मैंने पूछा कोई कसरत दो, कोई टीपा दो आंख में नाखने के लिए, लेकिन नहीं बोले, आंख को छेड़नी नहीं है अभी बोले, जो होगा 6 महीने बाद देखा जाएगा। और मैं मंगलवार को गई दिखाने के लिए इसके OPD पे, तो बोले देखो आपकी लड़की को 2 महीने हो गए ले, दवाई से कोई इम्प्रूवमेंट आता नहीं है, तो आपको पैसों का बंदोबस्त करना है और 10,000 का फंगल इन्फेक्शन का बड़ा रिपोर्ट निकलना पड़ेगा। अगर उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला हमारे को, तो हमारे को 25,000 का करना पड़ेगा, और वो पैसों का बंदोबस्त आपको करना ही है। नहीं, यहाँ आई मंगलवार को, उन्होंने ऐसा बोला, जुमेरात को मैंने, मेरे को पता चला, मैं पहली बार यहाँ पर आई, जुमेरात को अबू ने, हमारे पीर साहब ने सुनी मेरी, मेरी बच्ची की हालत देखी, अबू ने नंबर, अबू ने मेरे को जो कसरत बताई, अबू ने 4 दिन में, सुभान अल्लाह, 4 दिन में मेरी बच्ची आँख पे खुलती हो गई धीमे धीमे, 4 ही दिन में। और मैं फिर दूसरे मंगलवार को उनके पास गई, मेरे पास पैसा तो था ही नहीं, जो उन्होंने 10,000 का रिपोर्ट का बोला था, मैं अबू पास ही आई थी, और अबू पास से 4 दिन बाद मैं वापस से गई वहाँ पे। वो बोले कि हम, ये क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट तो आ गया आँख में, बोले हमने कुछ नहीं करा, ऊपर वाले ने करा है, हमारी तो जो दवा चलती थी वो दवाई चालू है, बोले हमने कोई चेंजिंग दवा में करा नहीं है, 2 महीने से लगातार एक ही दवा चलती थी, कोई हमने चेंजिंग करा नहीं है। सरकार ने पैसे बिना इलाज किया, सरकार ने बिना पैसों का इलाज करा है, कोई नहीं, दुरूद पाक, कलमा रसूलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलिल्लाह, ये हमें तोहफे में देते हैं, अबू हमें ये तोहफे में देते हैं। अगर आपके आसपास किसी को ये तकलीफ हो, फतेहवाड़ी ये नाल के अंदर अबू बैठते हैं, आपके आसपास हो, आपके घर में किसी को ये तकलीफ हो, तो फौरन यहाँ आके अबू को मिलिए, यहाँ पे कोई अदिया नहीं है, यहाँ दुरूद पाक का तोहफा है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बोलो, अच्छे हो गए आप। सलाम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इल्मास फातिमा है, मैं यहाँ पर आती थी हबीबुल्ला सरकार के पास, मुझे बहुत सी तकलीफें थी, बीमारी थी, पैसे की दिक्कत थी, धंधे की दिक्कत थी, हर चीज़ की मतलब मुझे तकलीफ थी। मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत सारा फेस मिला, बहुत सारा फ़ायदा हुआ, मेरी एक अपेंडिक्स की यानी ऑपरेशन भी हुआ जो डॉक्टर ने फेल बताया था, पर अबू की दुआ से, सरकार की दुआ से सक्सेस हो गया। उसके बाद में ये मेरी बड़ी बहन है और इनका लड़का है, तो मैंने बोली आप लोग भी यहाँ पर चलो, इंशाल्लाह इसको राहत होगी, 15 दिन से ये भी आ रही है, तो इनको भी बहुत सी राहत मिली। और मेरा भांजा है जिसकी दवा भी बंद कर दी हमने, मेंटल की कर देते हैं, और यानी अभी बहुत इसको सुकून है, सुकून से बैठा रहता है, कोई मस्ती बवाल नहीं करता, और बस आगे भी ऐसा अच्छा होता चला जाए। यहाँ पर ना कोई पैसा लगता है ना कुछ, सिर्फ दुआ मिलती है, और दुआ में इतना असर है कि यानी हर बिगड़े हुए काम बदले ही चले जाते हैं। हम लोग को यहाँ से बहुत फेस मिला है, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم
ये मेरा बच्चा है और मैं यहाँ सरकार के पास आई हूँ। मैं 15 दिन से आती हूँ। मेरे लड़के को दिमाग की तकलीफ थी, मेरा लड़का बहुत अच्छा है, मैं इसके इतने ऐसे इलाज उसका चल रहा है, इसके दवा खाते थे, अभी दवा मैंने बंद कर दी और ये अब अच्छा है। 15 दिन से यहाँ का इलाज चालू करी ताबीज, तो मेरे बच्चों को बहुत फायदा है यहाँ से, आगे भी इसी इंतजाए तो और अच्छा हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इशरत आमिर खान। हम लोग यहाँ कैनाल से रहते हैं, लंबित पार्क से, यहीं अहमदाबाद से है। मेरी राइट वाले आई में बहुत प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने मना कर दिया था, डैमेज हो गई थी ऐसा बताया था, और मेरे से 2 लाख का खर्च बताया था। सरकार की दुआ से हम लोग यहाँ पे आए और उन्होंने दुआ की तो उस इलाज किया और अभी अच्छा है मेरी आँखों में, और अभी यहाँ पे कुछ फ्री इलाज के कुछ पैसे वैसे नहीं लगते, फ्री में इलाज लग होता है, कोई हदिया लेने में नहीं आता, और यहीं से किताबें दी जाती है दुआ के लिए और उसको पढ़ के इंशाल्लाह सारी तकलीफें दी जाती है। चार वर्ष था तो मारा लगन ने हालत नहीं, मैंने आप सरकार ने दुआ थी, मैंने मोहम्मद था, अल्लाह ना करवो थी, अने अब हमारी बीजी एक प्रॉब्लम है कि सॉल्व हो जाए, मैं अर्ज कर छु सरकार जो अल्लाह। मेरा नाम फरीद है, मेरे औलाद के लिए आई थी, मेरा काम तकदीर हो चुकी है, हजी अली हजी होगा लड़का पे आया था, मैं उसका भी दुआ मांगी थी, मैं पापा का दुआ थी, वो कैंसिल में हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं गढ़ड़ा की रहने वाली हूँ, गढ़ड़ा की रहने वाली हूँ। मुझे औलाद की तमन्ना थी, 2 लड़की है ऑपरेशन से पहले, और मुझे लड़का नहीं था, वो रह गया था, तो हम लोग यहाँ सरकार के पास आए तो सरकार ने बोला इलाज दिया, हम लोगों को इलाज हम लोगों ने लिया लड़के के लिए, और बोला 3रा महीना चढ़ा, सरकार ने हमको नाम भी दे दिया कि आपको लड़का इंशाल्लाह आपका लड़का ही होगा, आप हमारी दुआ से, तो फिर इंशाल्लाह मुझे लड़का ही हुआ, तो इनकी दुआ से इनके बदलो तरफ से फिर हम लोग इधर सलामी भरने के लिए लेके आए। मतलब लड़का होने से पहले आपको नाम लड़के का दे दिया सरकार ने? लड़का होने से पहले ही हमको नाम दे दिया था सरकार। अच्छा, आप यहाँ आए तो किसी से आपने कुछ पैसा वैसा लिया आपसे किसी ने? बराबर, पैसा वैसा कुछ भी नहीं, कोई ना दिया नहीं, कुछ भी नहीं, उनकी दुआ से ये काम हो जाता है और जितने भी लोग आते सबका काम हो जाता है। पालन जैसा किया था, हम लोग इधर आए इंशाल्लाह सही हुई, और इधर कोई पैसे जैसे नहीं लगते, आप भी आओ तो अच्छा लगेगा, कोई परेशानी दुखी सब ठीक हो जाएगी। हमने बहुत जगह इलाज कराया था, कोई फर्क नहीं हुआ, इधर आके हम इलाज सही हो गए। अच्छा, आपके पास से किसी ने यहाँ पैसे वैसे मांगे इधर? नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं लगे, खाली अपना जो किराया भाड़ा लगता है बस, और कोई पैसे वैसे नहीं, और आज मेरी सही है। सलामत, जो भी परेशानी आपके जो लेकर आए थे यहाँ पे सारी मिट गई, तकलीफ दूर हो गई? हाँ सर, सही सब मिट गई, अभी आपको सब सही है? सब तो बहुत सही है। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल अहमद साहब, मकाम बम्बई से मिलना अहमदाबाद आया हूँ, कुछ हजरत के सिलसिले से आप के पास से मिलने के लिए। मेरी लड़की तकरीबन 1.5 साल से परेशान थी, वो डिप्रेशन में चली गई थी, काफ़ी बीमार थी, और काफ़ी मैंने इलाज किया वहाँ डॉक्टरों का इसका, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने आपू जान के बारे में सुना तो मैं यहाँ पर दौड़ा दौड़ा आया,
और अल्लाह का फजल करम है और आप हजरत की दुआ है मैं कि ये मेरी लड़की मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गई। तो आज मैं लड़की वो हजरत से मिलाने लाया हूँ, अबू से मिलाने लाया हूँ। और मेरा कुछ और एक दो मसले थे जबकि मैं बहुत गफलत में था, मुझे बहुत पहले लेके आना चाहिए था इनको। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरा जो काम से आया हो अब वो ज़रूर पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ सिर्फ दरुद सलाम से काम होता है, कोई हदिया वगैरह नहीं लिया जाता है। इससे मेरे को दिल को बहुत तसल्ली मिली है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और इंशाल्लाह मैं यहाँ आता रहूँगा। और मेरे साथ में और कुछ लोगों ने कहा था लेकिन मैंने उनको नहीं लाया हूँ। मैं बोला मैं पहले जाके आ जाता हूँ फिर आपको लेके जाऊँ। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते उनको लेके आने वाला हूँ मैं। बस अल्लाह इनकी दुआ से मेरा काम का कामयाबी मिले। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, अहमदाबाद में जवाबरा इलाके में रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार पीर हबीबुल्लाह चिश्ती साहब के यहाँ बरसों से आना जाना है। पिछले कुछ दिनों मेरी जोजा बच्चों की अम्मी जो हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बेहोश हो गई थी और आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टरों ने यहाँ तक कहा था कि इनको वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा, हो सकता है ये ना बचे। दिमाग में टीबी, ब्रेन का टीबी हो गया था और खींच आ रही थी और शायद कोमा में चले जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दुआ करवाई और रात दुआ कराई और अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह सुबह होश में आ गई। और फिल वक्त अभी 10-15 दिन हो गए, 10 दिन 11 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया और अब तो बिल्कुल जिस तरह हम हैं चलते फिरते हैं वैसे हो गए। और पूरा हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स सब चौंक गए थे कि ये कैसे इतनी जल्दी से शिफा हो गई, ये एक चमत्कार हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अल्लाह पाक के करम से, सरकार अलैहिस्सलाम के करम से बेहतरीन इलाज फ़ी सबीलिल्लाह बरसहा बरस से किया जाता है। अल्लाह पाक इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बसीरा है। मेरे चार लड़कियों पे लड़का है। यहाँ पे मैंने दुआ करवाई थी तो यहाँ पे से मेरे को लड़का हुआ है। यहाँ पे आपको कोई हदिया लिया था? नहीं, कोई हदिया वदिया कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, खाली दुआ दुआ करवाई। हाँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सना है, हम बटका से आते हैं। अबू की दुआ से मेरा ऑपरेशन होने वाला था वो नहीं हुआ, ना सलाम पढ़ा जाता है। और अब मेरा मकसद है कि मुझे BCA लेना है, तो अबू ऐसी दुआ करें कि अल्लाह करे मैं BCA लेना।